हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वाटर डिमांड का, दैट इज़ योर फैक्टर इफेक्टिंग द वाटर डिमांड। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारी थोड़ा कम टाइम ही लगेगा, क्योंकि हमने सिर्फ फैक्टर्स डिस्कस करने हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लासेज में हमने क्या सीखा, वाटर डिमांड हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, और बेसिकली एनुअल एवरेज, डेली ड्राफ्ट, लीटर पर कैपिटा पर डे, ये टर्म्स के बारे में जाना, कितनी टाइप ऑफ डिमांड होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर इनको लास्ट मतलब एक बार देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या प्रेजेंट है तो टाइप ऑफ डिमांड भी पढ़ना क्योंकि ज़रूरी है इससे पहले। और इनकी रेंज मैंने बताया था, एग्ज़ाम्स के लिए आपको इनकी रेंज याद रखनी पड़ेगी। तो आज की क्लास की बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है जो आपका फर्स्ट फैक्टर है जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करेगा, दैट इज़ साइज ऑफ सिटी। ऑब्वियसली बात है, देखो जैसे जैसे साइज ऑफ सिटी इंक्रीज करता रहेगा, मतलब जितने ज़्यादा लोग किसी एरिया में रहेंगे उनको वाटर की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और हम बोल सकते हैं कि अगर सिटी का साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा पाइप्स होंगी, ज़्यादा कनेक्शंस लगे होंगे, और ज़्यादा पाइप्स और ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, लोगों को वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी, और साथ साथ में हो सकता है कि लॉसेस भी इस वजह से ज़्यादा हों। और मैंने आपको बताया था कि हम लॉसेस को भी काउंट करते हैं जब हम लोग वाटर डिमांड के बारे में पढ़ रहे हो। तो साइज़ ऑफ सिटी के साथ रिलेट करें तो जितना बड़ा साइज़ ऑफ सिटी होगा उतना ज़्यादा वाटर डिमांड होगा। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इसको वाटर डिमांड के। जैसे जैसे सिटी का साइज़ बढ़ता जाएगा वाटर डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड फैक्टर देखते हैं। सेकेंड फैक्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि यहाँ पर हम अगर बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी वाले पीपल हैं तो वो पानी का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी पॉश एरिया की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, देखो नहाने के लिए वो क्या करेंगे, वो शावर का यूज़ करेंगे। वहीं पर हम लोग मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो वहाँ पर पानी का यूजेज कम होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी डिपेंड करता है वाटर की डिमांड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो हायर कम्युनिटी वाले पीपल हैं तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर हम लोअर क्लास के लिए बात करें तो वाटर की रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू ये जो रिच कम्युनिटी है उसके कंपेरिजन में वाटर की जो ज़रूरत होगी वो हमारी कम रहती है। अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस का क्या मतलब है, क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब कि आप किस एरिया में रह रहे हो, मतलब किस एरिया में जहाँ पर मैक्सिमम टाइम गर्मी रहती है ना, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम ठंड रहती है। तो लोकेशन की बात करते हैं हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो ऑब्वियसली बात है, किसी ठंड वाले एरिया में रह रहे होंगे तो वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, वाटर की डिमांड कम होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर ज़्यादा टाइम गर्मी का सीज़न रहता है, तो जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी का सीज़न रहता है वहाँ पर वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी, वाटर जो डिमांड होगी वो हमारी ज़्यादा रहेगी। ये कॉमन सी बातें हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कल की क्लास में कि आपका थेफ्ट्स में आपको मैंने बताया था कि कुछ वाटर लॉस होता है, अब यहाँ पर डिस्कस करती हूँ मीटरिंग सिस्टम। आपको बताया था, यहाँ पर मैं नेक्स्ट फैक्टर लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ वाटर। मतलब कि जहाँ पर आपको पैसा देना पड़ रहा है किस चीज़ का, कि आपने कितना वाटर यूज़ किया है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको जितना पानी चाहिए आप उतना यूज़ करोगे और उसके बाद बंद कर दोगे ताकि बिल ज़्यादा ना आए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पर मीटरिंग सिस्टम होंगे वहाँ पर क्या होगा, जो आपकी वो चीज़ अफेक्ट करेगी किसको, वाटर की कंजप्शन को। जितने पानी की ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ करोगे। जहाँ पर पता है मीटर नहीं लगा है आप वहाँ पर वो खुला भी रहने दिया, पानी ओवरफ्लो है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारी वाटर की कंजप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और क्या फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक फैक्टर हो सकता है लाइक क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर पानी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है तो वो ज़्यादा यूज़ होगा, अगर कम अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हमारा कंजप्शन भी वाटर का कम होगा, ठीक है। तो अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये भी हमारा हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा कंजप्शन होगी एज़ कम्पेयर टू अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर पर भी अफेक्ट करेगा।
नेक्स्ट हो सकता है ये यहाँ पर एक फैक्टर आपका है कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग बेसिकली दो टर्म्स पढ़ सकते हैं। किस तरीके का है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब एक आता है आपका कॉन्टीन्यूअस सिस्टम और दूसरा आता है हमारा इंटरमीटेंट सिस्टम। इंटरमीटेंट सिस्टम, आई होप इनके नाम से ही हमें मीनिंग समझ में आ रहा है। कॉन्टीन्यूअस सिस्टम का मतलब है कि पूरे दिन पानी आता रहेगा। इंटरमीटेंट का मतलब है कि आपकी टाइमिंग होगी, पानी इतने बजे आएगा, ठीक है, कि मॉर्निंग के 2 आवर्स डिफाइन है और इवनिंग के भी 2 आवर्स डिफाइन है। तो इसका मतलब कि जहाँ पर टाइमिंग्स दे रखी हैं कि हाँ इतने इतने 2 घंटे पानी आना है, दैट इज़ योर इंटरमीटेंट सिस्टम। और कॉन्टीन्यूअस सिस्टम में क्या होगा, पूरे दिन पानी चला रहेगा। तो अगर हम लोग कॉन्टीन्यूअस सिस्टम की बात करें तो जनरली देखें तो कॉन्टीन्यूअस में हमारी ज़्यादा वेस्टेज होगी पानी की, ठीक है, जनरली ज़्यादा वेस्टेज हो सकती है, लीकेज में पानी जो है वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपको पता है कि पानी पूरे दिन आना ही है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर ज़्यादा वेस्टेज हो रही है कॉन्टीन्यूअस सिस्टम में। अगर मैं इंटरमीटेंट सिस्टम की बात करूँ तो इंटरमीटेंट सिस्टम में एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ी कम वेस्टेज होगी, लेकिन यहाँ भी वेस्टेज ज़्यादा ही होती है जनरली देखें। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि पानी 2 आवर्स के लिए आना है, आप पहले से ही वहाँ पर टैप ओपन करके रखोगे, आपने टैप ओपन करके रखा है तो पानी ऐसे ही बहता रहेगा अगर जल्दी आ गया पानी, है ना। तो पर जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्टीन्यूअस में ज़्यादा वेस्टेज होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरमीटेंट इंटरमीटेंट सिस्टम, जो आपका एक पार्ट है किसका, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक और फैक्टर है हमारा, दैट इज़ प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि देखो प्रेशर, अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा लीकेज होगी, और अगर ज़्यादा लीकेज हुई तो मतलब वाटर की कंजप्शन भी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, वाटर की कंजप्शन भी बढ़ जा रही है। तो इस तरह ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं आपके किसको, वाटर की डिमांड को। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, साइज ऑफ सिटी क्या है, बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंग। एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारा, यस, आपका एक और फैक्टर है, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उस एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखोगे कितनी इंडस्ट्रीज है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी पानी की, है ना, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी पानी की। तो ये भी आपकी वाटर डिमांड को अफेक्ट करती है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो वाटर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये फैक्टर्स हमारे यहीं पर कवर होता है टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो आपका कुछ रिलेशन रहेगा, लाइक आपका मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, या फिर एनुअल एवरेज डेली डिमांड के बीच में, मैक्सिमम डेली डिमांड के बीच में, इनके बीच क्या रिलेशंस होते हैं। तो ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये रिलेशंस के बारे में सीखने वाले हैं। अभी की क्लास को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है ये सेशन, और आपको जो भी टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है जो आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आगे फिर हम उस सब्जेक्ट के, मतलब उस सब्जेक्ट के सेशंस मैं यहाँ पर ले लिया करूँगी आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए अभी की क्लास को एंड करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो थैंक यू एवरीवन, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।